में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BSF जूनियर इंजीनियर जो ग्रुप बी की पोस्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सारी ब्रांचेस के लिए मतलब अलग अलग पोस्टेस के लिए निकाली जाती है। यहाँ पर कुछ स्पेशल ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जल्दी ही डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा रिक्वायरमेंट फॉर ग्रुप बी पोस्टेस। उसके बाद यहाँ देखेंगे नॉन गजेटेड मिनिस्ट्रियल BSF इंजीनियरिंग गेट फॉर वैकेंसीज, तो इसके बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई है। और यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड टू, यानी इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन भरना होगा। उसके बाद इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सिटीजन फॉर फिलिंग द अंडर मेंशन वैकेंसीज ऑफ ग्रुप बी कंबाइंड नॉन गजेटेड पोस्टेड इन इंजीनियरिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैकेंसीज आर अंडर। यहाँ पर आप देखेंगे जो पोस्ट है ये लेवल 7 की वैकेंसी है और ये लेवल 6 की। यहाँ पर आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट की पोस्ट टोटल एक है, वो भी जनरल की पोस्ट निकाली गई है। सब इंस्पेक्टर वर्क्स की यानी जो जिसे आप JEE बोलते हैं, और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर की इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पर इसकी 4 पोस्ट है जो कि UR की हैं। वहीं आप देखेंगे 18 पोस्ट निकाली गई हैं किसकी, सब इंस्पेक्टर वर्क्स की यानी जो है JEE की। यहाँ पर टोटल सीटें हैं UR की 3, जनरल की 3 है, EWS की 1 है, OBC की 11 है, SC की 1 है, ST की 2 है। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 2 सीटें जो है EX सर्विस मैन के लिए निकाली गई है जो कि 10% यहाँ पर आरक्षित बताई गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड ओनली, लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेबल एप्लीकेशन और 30 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। और यहाँ देखेंगे इन्होंने कहा है क्रूशियल डेट ऑफ रिमेनिंग द एज ऑफ लिमिट एंड द रिसिप्ट, यानी सारी चीज़ें आपके पास अब डिग्री हाथ में होनी चाहिए उस डेट के पहले, आपकी मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी एज वगैरह सब कुछ होनी चाहिए। उसके बाद वैकेंसीज आर सब्जेक्टेड टू चेंज, यानी वैकेंसीज को घटा बढ़ा देखें। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर देखते हैं क्वालिफिकेशन, सब इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वहीं यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच में। यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, मैकेनिकल के लिए नहीं कहा गया है, केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा, BTech नॉट अलाउड है। मैंने पहले भी बताया था, इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था, तो BTech यहाँ पर अलाउ नहीं किया था पिछली बार। उसके बाद देखेंगे डिप्लोमा इन रिक्वेस्टेड स्ट्रीम इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया है कि आपके पास डिप्लोमा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने BTech किया है उसके साथ तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डिप्लोमा तो कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए तभी आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो इन्होंने कहा इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए 30 साल एज होनी चाहिए, वहीं सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो छूट वगैरह आपको मिलती है वो मिलती रहेगी। उसके बाद क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइन द एज लिमिट इन ईच केस शैल बी क्लोजिंग डेट ऑफ, तो सारी चीज़ें इन्होंने कहा है कि जो जिस डेट को एप्लीकेशन जो है फॉर्म में खत्म होगा उसी डेट को आपकी लास्ट डेट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ कहा गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन, आपको इसी वेबसाइट पर जाना है BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहीं से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिगार्ड विल बी BSF वेबसाइट ओनली, हैंस कैंडिडेट एडवाइज टू BSF। यहाँ पर आप देखेंगे 25 जनवरी का ये पूरा है शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि रिलीज किया गया था, और यहाँ पर आप ये डेट है वहाँ से ऑफिस रिलीज किया गया था, बाकी ये नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर जल्द ही देखने को मिलेगा। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था पूरा इसके बारे में, जैसे ही इसके बारे में कोई अन्य अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी आता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और इस वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी अपडेट वहाँ पर तुरंत आपको मिल जाएगी विद इन मिनट के अंदर। तो यहाँ पर ओके, थैंक यू।